हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल बी डी बी ऑल अप टू डेट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेस द मोबाइल नंबर एंड लोकेशन ऑफ एनी नंबर, वो हम कैसे कर सकते हैं अपने ही मोबाइल के अंदर कुछ ही टाइम के अंदर। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने YouTube चैनल BDB All Up To Dates पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चलते जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते होने वाला है कि हाउ टू ट्रेस मोबाइल नंबर एंड लोकेशन ऑफ एनी नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने ही गूगल के अंदर जो है वो जाना होगा। गूगल के अंदर जाने के बाद हमें ये देख लो आप, इस तरह से हमें कुछ डेस्कटॉप साइट दिख रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इससे हम अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, इसकी लोकेशन भी पता कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर है वो भी हम जान सकते हैं। विद द, जैसे कि रिंग होता है किसी का भी मोबाइल फ़ोन, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा जो लोकेशन है या हमारा मोबाइल नंबर है कहाँ, मोबाइल फ़ोन कहाँ पर। तो हमें पहले यहाँ पर टाइप करना है मोबाइल फ़ोन लोकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे पहले टाइप करना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन लोकेशन, ये देखिए मैंने पहले से कर रखा था मोबाइल फ़ोन लोकेशन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से आने के बाद आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दिख रहा है आपको फाइंड योर फ़ोन गूगल अकाउंट। तो हमें किसी का भी फ़ोन लेना है, ये नहीं है कि हमें अगर अपना पासवर्ड सेट करना है या फिर अपना मोबाइल नंबर फ़ोन ढूंढना है, अब अगर हमारा खो चुका है या कोई भी प्राइवेसी हमें लगानी है तो अपना फ़ोन, हम किसी का भी फ़ोन ले सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे तो इसे खोलने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ रही है सेलेक्ट अ फ़ोन और टैबलेट मिस्टो से। ये देखिए मेरा फ़ोन है सैमसंग गलेक्सी J7 Prime 2, मैं इस फ़ोन पर क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ टाइम ले रहा है ओपन होने के लिए। यहाँ पे हमारे पास हमारी वेरिफिकेशन मांगेगा, या तो हमारा आईडी प्रूफ मांगेगा या हमारा पासवर्ड मांगेगा, वट एवर द थिंग ये रिक्वायर्ड आपको फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टू ऑप्शन आएंगे, या तो हम टच सेंसर से करेंगे या फिर स्क्रीन लॉक से। हम स्क्रीन लॉक से कर रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, तो हम स्क्रीन लॉक से करेंगे। तो ये देखिए ये ओपन हो चुका है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर हमें अपनी जो लोकेशन है वो पता करनी है या फिर हमें पता करना है कि अपना मोबाइल नंबर है, अपन किसी के पास शक है तो कहाँ होगा, तो ये टू ऑप्शन आ रहे हैं, मैं आपको दोनों ही करके बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, तो पहले मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, पहले वाले पर रिंग वाले पर मैंने क्लिक कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आपको आवाज़ सुन रही है। उसके बाद मैं इसे फिर से बंद कर दूंगा, तो ये आ गया है। उसके बाद इसकी लोकेट वाली हम जाएंगे इसके ऊपर, लोकेशन के ऊपर। तो अगर हमें रिंग का जो ऑप्शन है वो साइलेंट किया हुआ है, हमें नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जाके हम जब प्ले साउंड करेंगे तो ये देखिए हमें अपनी जो लोकेशन है वो यहाँ से पता चल जाएगी कुछ ही टाइम के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ से लोकेशन लगानी पड़ेगी, यहाँ पे अपना हम मोबाइल नंबर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकेट वाले ऑप्शन पे फिर से हम जाएंगे, तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अगर हमें यहाँ पे अपनी जो लोकेशन है वो ट्रेस हो रही है, मुझे पता चल रहा है कि मेरी लोकेशन है यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स तहसील बिल्डिंग, ये देखिए यहाँ पे है जो मेरी लोकेशन, मैंने लोकेशन पे सेलेक्ट किया था। और ये देखिए मेरे पास बन रहा है नियर सिविल अस्पताल तहसील, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारे पास लोकेशन का और साउंड का। अब मैं आपको बताऊँगा सिक्योर डिवाइस। अब सिक्योर डिवाइस के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन होंगे जैसे कि रिकवरी मैसेज या फ़ोन नंबर आप कर सकते हैं, वट एवर एक्स वाई जेड आप करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं, जैसे रिकवर माई फ़ोन, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है जो वो टाइप कर सिक्योर डिवाइस कर देना, आपका जो है सिक्योरिटी लॉगिन
हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद रिंग और लोकेशन के बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन आते हैं, जैसे कि लॉक योर फ़ोन। लॉक योर फ़ोन के अंदर होगा आप अपनी ही मर्ज़ी से, अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी गलत फाइंडर के पास वो चला गया है आपका फ़ोन, वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, तो आप लॉक योर फ़ोन पे जाके उसका पासवर्ड या जो उसका पैटर्न है जो भी आपने लगाया उसे आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था बी ऑप्शनल पे, वहाँ पे हमने लिखना है कि फ़ोन इज़ लॉस्ट प्लीज़ रिटर्न इट बैक, ये हमें लिखना है लॉक योर फ़ोन वाले ऑप्शन में। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना है जो, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा ऐप फर्स्ट अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें यहाँ पे अपना जो है वो मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कर दिया है एक्स वाई जेड, कोई भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप दे सकेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉक है, आप लॉक लगाना चाहें तो लॉक पे क्लिक कर देना, अगर नहीं लगाना चाहें तो नो थैंक्स पे कर देना। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला सारे ऑप्शन होने के बाद आप साइन रीच टू योर कैरियर, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो जो आइडेंटिफिकेशन है या आपका जो कोई उसके अंदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है विद रिगार्ड्स, तो आप कंसीडर कर सकते हैं इरेजिंग योर डिवाइस, मतलब वो उसके अंदर जो भी डाटा होगा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इरेज हो जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारी जो ये जो वीडियो है ये यहीं एंड होती है। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, लाइक करने के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना जो रेड वाला बटन है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल BDB और धन्यवाद, सत श्री अकाल।